ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दुआ कीजिएगा हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे, सलामत रहे, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमारे देश के मध्य प्रदेश के छत्रपुर से वायरल हो रही है। इस वीडियो में कुछ लोगों को पुलिस वाले पैदल हाथ पकड़े हुए और हाथों में हथकड़ियां भी हैं लेकर जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं और उसमें बताने का ये प्रयास किया जा रहा है। जो आरोपी हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। दोनों बातें सही है, पाप करना, जुर्म करना, ये तो पाप या जुर्म है ही, और इसके लिए हमारे देश में संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में ये संविधान भारत की आज़ादी के बाद से लागू हुआ, जो अब तक चल रहा है। और संविधान में जो कुछ कायदे हैं उसी के तहत हमारे देश में न्यायालय की व्यवस्था है, वहाँ उसका फैसला होता है, और पुलिस का काम ये होता है कि जिस जुर्म में वो आरोपी पकड़ा गया है उसे कोर्ट के सामने पेश करना है, आगे कोर्ट जाने हैं। बहरहाल, इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे स्वच्छता के नाम पर एक नंबर का इनाम हमारे देश में मिलता है पिछले कई सालों से। उसी शहर से थोड़ा सा दूरी पर छत्रपुर ये इलाका आता है, और घटना है महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने मोहम्मद साहब पर जो अपशब्द कहे, टिप्पणी की, उसी को लेकर वहाँ के एरिया पुलिस स्टेशन यानी छत्रपुर में मामला दर्ज कराने गए लोगों में ऐसा बताया जाता है कि पुलिस और वहाँ जो लोग गए थे उसमें टकराव हो गया। जो दर्ज कराने गए थे मामला उन्होंने पथराव किया, बहुत सारी अलग अलग बातें, अपना अपना लोगों का पक्ष है। बहरहाल, पुलिस ने इस मामले को लेकर कई लोगों को उसमें आरोपी बनाया, लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ लोग पकड़े जाना बाकी भी है। इसमें एक बड़ा नाम आता है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं, हाजी शहदाद नाम है उनका, फिलहाल वो फरार हैं। हालांकि उन्होंने भी वीडियो जारी की थी कि मैं उस वक्त वहां था ही नहीं। बहरहाल, इसमें खास बात यह है कि ये घटना 21 अगस्त की है और 15 अगस्त की हमने 78वीं यौम आज़ादी मनाई है, सब ने मिलकर तिरंगे को सलाम किया है, और इसी महीने की ये घटना है। पुलिस, वहाँ का प्रशासन, लोकल अथॉरिटी ने मिलकर हाजी शहजाद का वो बंगला गिरा दिया है जो करीब 4 से 5 करोड़ का था और अभी भी निर्माणाधीन था। अब सवाल ये उठता है कि 4 या 5 साल से वो बंगला बन रहा था तो वहाँ की जो अथॉरिटी थी या पुलिस के लोग थे उन्हें नज़र नहीं आया कि ये गैर कानूनी काम है, मगर ये घटना घटी और जब इन्हें आरोपी बनाया गया तब समझ में आया कि ये बंगला भी गैर कानूनी है। बहरहाल, बाजार के बीच से परेड कराई गई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जिसने जुर्म किया है उसके जुर्म की सज़ा उसे हमारे कानून के तहत यानी हमारे देश में जो कानून है उसमें मिलती ही मिलती है, न्यायालय में उन्हें पेश करना चाहिए। मगर वीडियो में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मेरे बैकग्राउंड में ये वीडियो चल रही है, आरोपियों को ले जाया जा रहा है, कुछ दूर ले जाकर फिर उन्हें पुलिस की गाड़ियों में बैठाया जाता है, मतलब ये हरकतें जानबूझकर की गई। बहरहाल, इस संबंध में कई राजनेताओं के बयान भी आए, लोग नाराज भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि देश में संविधान की क्या जरूरत है, जब पुलिस और लोकल अथॉरिटी मिलकर सारे फैसले कर दे तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत ही क्या रही। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो जो चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो यही बात आती है। बहरहाल, समय रहते देश में जो गलत करता है उसके साथ गलत होना चाहिए, मगर कोर्ट कचहरी है उसके हिसाब से, ना कि सब लोग मिलकर आपस में ही फैसला कर लें और सामने वाले का काम बढ़ा दें, सामने वाले को बोलने का मौका तक न दें। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआ कीजिएगा हमारे देश का लोकतंत्र बचा रहे, सलामत रहे, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। मैं खान फखरे आलम।